आपका बंटी उपन्यास एक अलग पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें एक और तो दांपत्य संबंधों में आई दरार और अलगाव की स्थिति को निरूपित किया गया है और दूसरी ओर दांपत्य संबंधों की छिन्नभिन्न हो जाने पर बच्चों की जो स्थिति होती है उस पर गंभीरता और सूक्ष्मता से विचार किया गया है। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहाचारी राजकीय कला महाविद्यालय सीकर, आज हम आपका बंटी उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र डॉक्टर जोशी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, डॉक्टर जोशी की कथानक में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे प्रौढ़ व्यक्ति हैं, पहली पत्नी से उत्पन्न उनकी दो संतान हैं, अमी एवं ज्योति, ज्योत कह दें। वे डॉक्टर हैं, उनके विचार सुलझे हुए, शांत स्वभाव और प्रगतिशील हैं। उनकी नगर में संभ्रांत नागरिक के रूप में गणना होती है। वे शानदार बंगले में रहते हैं, वहीं पर उनका क्लिनिक भी है जहां वे प्रैक्टिस करते हैं। शकुन का बेटा बंटी जब बीमार हुआ था तब से डॉक्टर जोशी शकुन के संपर्क में आए थे, यद्यपि उसी समय में वे कुछ ऐसा छोड़ गए थे जो धीरे धीरे पलता हुआ आगे चलकर वैवाहिक संबंध बन सका। डॉक्टर जोशी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। शकुन उसे देखकर, उसकी बातों को सुनकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है। वह कहती है, अपने को पूरी तरह से देखकर निर्द्वंद भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। डॉक्टर जोशी के पास अपार संपत्ति भी है, कार है, बंगला है, साथ ही उन्नत स्तर के जीवन जीने योग्य सभी साधन, पैसा, समाज, इज्जत सब कुछ है। ये सब चीज़ें भी डॉक्टर जोशी को एक प्रभावी व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। शकुन विचार करती हुई कहती है कि इन सब के न होने से ही वह कभी कभी डॉक्टर के सामने अकारण ही अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करने लगती है। लगता है जैसे डॉक्टर ने उसे स्वीकार करके उस पर बड़ी कृपा की है। छोटा बनकर जीना उसके अहम को बर्दाश्त नहीं और बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूंजी नहीं, इस प्रकार हम पाते हैं डॉक्टर शकुन ने डॉक्टर जोशी के प्रभावी व्यक्तित्व में पूरी तरह डूब चुकी है। डॉक्टर जोशी की दृष्टि में समाज उपेक्षणीय है। वे समाज द्वारा उठाई गई आपत्तियों और उंगलियों की प्रवाह नहीं करते। उनका सिद्धांत है कि वे अपने कार्य मन के अनुकूल करें और समाज का दृढ़ता से सामना करें। वे शकुन को समझाते हुए कहते हैं कि आज मैनेजर की को आपत्ति हुई तो तुमने नौकरी छोड़ दी, कल शहर को आपत्ति होगी तुम शहर छोड़ने के लिए कहोगी और जरूर होगी, छोटी जगह है, ऐसी बातें लोग आसानी से पचा नहीं पाते। पर इस तरह कमज़ोर होने से कोई काम थोड़ी चलता है, कहीं काम चल सकता है? और सच पूछो तो आपत्ति बाहर नहीं होती अपितु कहीं मन के भीतर होती है, तभी तो हमें ये छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, वरना इन आपत्तियों पर एक मिनट भी जाया करना मैं उचित नहीं समझता। इन लोगों का क्या हक है कि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का? डॉक्टर जोशी सुलझे हुए मस्तिष्क के इंसान हैं। वे किसी समस्या के उठने पर उनका हल बड़ी ही आसानी से हैं कर लेते हैं, जरा भी चिंता फिक्र नहीं करते। अंतर्द्वंद के शिकार तो वे कभी होते ही नहीं, सदा
तनाव मुक्त रहते हैं। समस्या चाहे बंटी की हो चाहे अन्य की, वे साधारण रूप से ही उसे लेते हैं। डॉक्टर जोशी इस सुलझे व्यक्तित्व को देखकर डॉक्टर जोशी के इस सुलझे व्यक्तित्व को देखकर शकुन कभी कभी अचरज भरी निगाहों से देखती है। इन्हें उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भी डॉक्टर जोशी के चरित्र में बहुत सारी खासियत हैं, विशेषताएं हैं, यथा वे प्रगतिशील विचारों के धनी हैं, यौनाचार को आवश्यक मानते हैं, शकुन को प्रेम भी करते हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन में दखल भी नहीं देते। व्यक्तिगत जीवन के सुख में वे बाधाओं की उपेक्षा कर देते हैं। उनकी मानसिकता आधुनिक सभ्य समाज के सर्वथा अनुकूल हैं। वे चाहे शकुन की ओर हों अथवा बंटी की ओर से, किसी भी चिंता को अपना नहीं बनाते हैं। सदैव उसकी उपेक्षा करते हुए निर्विकार भाव से अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं। वे दो टूटती हुई व्यवस्थाओं के मध्य अथवा वाम और दक्षिण के मध्य स्थित स्थापन व्यवस्था के प्रतीक हैं। डॉक्टर जोशी मानवीय गुणों से समृद्ध हैं। उनमें स्पष्टवादिता, चिंतनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठता के भाव विद्यमान हैं। सहानुभूति एवं सेवाप्रायणता भी उनके व्यक्तित्व में लक्षित होती है। विवाह से पूर्व बंटी के अस्वस्थ हो जाने पर असमय शकुन के निवास पर बंटी की चिकित्सार्थ पधारते हैं। वह विदुर हैं, अस्तु एकाकी भी हैं। शकुन का उनके प्रति आकर्षण भाव जागृत होना, उनकी सेवाप्रायणता एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि के कारण ही हुआ। उनके पौरुषेय व्यक्तित्व एवं दृढ़ नीतियों के कारण, उनका सानिध्य शकुन के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। जब शकुन बंटी के कारण परेशान होकर डॉक्टर जोशी से विचार विमर्श करती है, तो बड़े ही सहज भाव से जोशी द्वारा बंटी की प्रॉब्लम का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले लिए जाने से शकुन तनाव मुक्त हो जाती है। वह सोचती है, कहती है, सारा रास्ता अकेले अकेले चलकर, सारी परेशानियों से अकेले अकेले लड़कर भी ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी शक्ति शक्ति तो उसने अपने भीतर कभी महसूस ही नहीं की, जो आज अपने को बुरी तरह डॉक्टर के हवाले करके महसूस कर रही हैं। डॉक्टर जोशी के मन में भी शकुन के प्रेम की प्राप्ति की चाह है। प्रत्यक्षतः है शकुन एवं बंटी के परस्पर चुनने चाटने के प्रेम प्रदर्शन का वह निषेध तो करते हैं, किंतु उनके मन में शकुन के प्रेमास्पद व्यक्तित्व को मात्र स्वयं के भोगने के लिए भोगने की प्रवृत्ति या भोगने की भावना सन्निहित भी है। डॉक्टर जोशी कहते हैं, ये तुम माँ बेटों को चुमने चाटने और गले में बाहें डाल डालकर लिपटने वाला जो रवैया है ना है रवैया है वह है अब बंद होना चाहिए। लगता है तुम अपनी उस अर्ज को भी बंटी के साथ पूरा करती हो, पर अब तो सही जगह और सही ढंग। डॉट डॉट बात के अंत में जो आमंत्रण भरा संकेत था, वह शकुन को ऊपर से नीचे तक गुदगुदा गया। डॉक्टर जोशी तृषित तृषित के लिए सागर और परेशान के लिए समाधान है। इस प्रकार देखते हैं आपका बंटी उपन्यास में डॉक्टर जोशी एक अच्छे इंसान हैं, किंतु उनके मन के भीतर
छिपे हुए भाव पहली ही सांस में स्पष्ट हो जाते हैं। उपन्यास में वे एक जीवंत चरित्र के रूप में उभरे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।